दिल्ली की आम आदमी पार्टी शराब घोटालों में फंसी है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच चल रही है और अभी तक सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे आने वाले दिनों में दिल्ली के डिप्टी सीएम की मुश्किलें बढ़ सकती है। लिहाजा शराब घोटालों को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। एक तरफ बीजेपी शराब घोटालों को लेकर आम आदमी पार्टी की पोल खोलने में जुटी है तो दूसरी तरफ केजरीवाल सिसोदिया के बचाव में है। इस बीच बीजेपी ने दिल्ली में कथित शराब घोटाले का एक और स्टिंग वीडियो जारी कर तहलका मचा दिया है। बीजेपी का दावा है कि स्टिंग में दिख रहा व्यक्ति घोटाले में आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा है। बीजेपी ने कहा है कि इस वीडियो से केजरीवाल सरकार की पोल खुल गई है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो दिखाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी का जो घोटाले का स्टिंग सामने आया है उसमें घोटाले के आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा ने पूरी पोल खोल दी है। उन्होंने कहा कि किस किस से कितना पैसा लिया गया, किस प्रकार से घोटाले हुए, सारी चीजें उजागर हो गई हैं। पूरी की पूरी पॉलिसी घोटाले के लिए ही तैयार की गई। त्रिवेदी ने कहा कि अमित अरोड़ा बता रहा कि कमीशन सरकार ने तय किया। यही नहीं, बीजेपी ने केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि शराब घोटाले के पैसे को गोवा और पंजाब के चुनाव में उपयोग किया गया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अरोड़ा ने कहा है कि 5-5 करोड़ रुपए तक की फीस मिनिमम निर्धारित की गई। 5 करोड़ इसलिए रखा गया कि छोटा मोटा प्लेयर आने न पाए। बता दें कि इससे पहले 5 सितंबर को भी बीजेपी ने एक स्टिंग जारी किया था। बीजेपी का दावा था कि सीबीआई की ओर से दर्ज किए गए केस में आरोपी नंबर 13 सनी मारवा के पिता कुलविंदर मारवा ने खुफिया कैमरे पर आप सरकार की ओर से कमीशन लिए जाने की बात कही है। हालांकि दिल्ली के आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने स्टिंग को मजाक करार दिया था। वहीं एक बार फिर बीजेपी ने स्टिंग जारी कर केजरीवाल सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ऐसे में इस स्टिंग के सामने आने के बाद शराब घोटाले का मामला एक बार फिर गर्मा सकता है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।